हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव राइडर्स एंड दिस इज योर होस्ट विमल। सबको जय जय नंदर मेरी तरफ से। और इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा गोप्रो हीरो 11, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग फन, ग्रेट वीकेंड, ग्रेट राइड। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, गोप्रो हीरो 11। वो ट्रस्टेड ब्रांड था, लोग बहुत पसंद करते थे इसको। एंड आई थिंक नाउ ऑल्सो इट इज वेरी मच पावर विथ एक्शन कैमरा। लोग इसको बहुत ही सॉलिड ब्रांड मानते हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर कोर कॉम्पिटेंसी। एंड जो आज के जो ब्रांड है वो गोप्रो को बहुत अच्छी तरीके से ओवरटेक कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे वैल्यू पर बहुत अच्छी चीजें दे पा रहे हैं। सो लेट्स डाइव डाउन टू दिस टॉपिक। के ये कोई रिव्यू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, ओनली माय ओपिनियन के 2023 अभी जब एंड हो रहा है, आपको गोप्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्काउंट्स कमिंग इन एंड गोप्रो 12 भी आने वाला है फ्यूचर में। सो यू रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इफ यू आर न्यू। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम गोप्रो हीरो 11 अभी के लिए? और अगर आपको 12 के लिए वेट करना है या क्या करना है वो आप देखिए। सो लेट्स डाइव डाउन इन द गोप्रो हीरो 11। मैंने ये पूरा ब्लॉक किट जो होता है वो लिया था स्टैंड के साथ में। ये इसका स्टैंड ऐसे खुलता है, दिस वन, एंड देन दिस इज द मीडियम मॉड जो पूरा किट आता है। ये उसका लाइट है, एलईडी लाइट है। यहाँ पे एक हॉर्सशू का माउंट मिलता है। दिस इज वेरी कॉमन, आप कोई भी अगर रिव्यू चैनल देखोगे तो आपको बता देगा यहाँ पे कैसे लैंप खुलता है इसको हैंग करने के लिए। इसका पूरा अनबॉक्सिंग आप देख लीजिए अभी, दिस इज द कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग देखने के बाद में लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्यों ये कैमरा लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैटरी। वेरी वेरी अनहैप्पी द क्वालिटी हाउ गोप्रो हैज डन इन दिस वन। मैं गोप्रो 7 यूज करता था, आई वाज वेरी मच हैप्पी विद दैट कैमरा। जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे कैमरा भी, टेक्नोलॉजी भी ओल्ड हो जाती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड अ बेटर कॉम्बिनेशन। पर अगर मैं गोप्रो हीरो 11 की बात करूं, वेरी टेरिबल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन गोप्रो, द एंटायर प्रोडक्ट रेंज ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई आपको नहीं बोलेगा ये चीजें, प्लीज डू नॉट चार्ज एंड कीप दिस डिवाइस। कल सुबह राइड पे जा रहे हो, टेक अ वन डे, चार्ज इट, डू नॉट पुट बैटरी इन साइड द गोप्रो। बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, इवन दो इफ यू स्विच ऑफ कनेक्शन ऑफ ब्लूटूथ एंड GPRS, वो सारा भी अगर आप बंद कर दोगे तब भी आपका 30% बैटरी डेड मिलेगा आपको सुबह जब आप राइड पे निकलोगे। आई डोंट नो वाई दिस हैपेंस इन दिस गोप्रो, आई रियली डोंट नो। अगर किसी और को प्रॉब्लम फेस हो रहा है दे कैन कमेंट डाउन बिलो। नॉट जस्ट दिस वन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वोल्ट। दोनों को मैंने एक वीक पहले चार्ज किया था और रखा था कि देखते क्या होता है। बोल्ट बैटरी कंप्लीटली डेड, इफ यू कैन सी द लाइट, अगर आप अच्छे से देखोगे इधर जब मैं ये लाइट दबाता हूँ रेड में आ रहा है, इट इज कंप्लीटली डेड। अगर मैं गोप्रो को भी ऑन करूंगा, मैंने दो दिन पहले इसको चार्ज करके बैटरी डाल के रखा था, एंड हियर आई डोंट नो इफ यू कैन सी द परसेंटेज इन गोप्रो। आप अगर परसेंटेज देख पा रहे हो गोप्रो में, कंप्लीटली डेड, 2% ही है इसके अंदर। पहला इशू है इसका बैटरी। सेकेंड थिंग, आप ये जो देख रहे हो नॉब यहाँ पे, इसको खोलना ही इतना चैलेंजिंग है, लाइक माई हैंड्स, यू सी माई हैंड्स आर सो बिग। अगर ग्लव्स पहना हुआ है तब तो भूल ही जाओ, यू कांट इवन ओपन दिस वन। सो आई थिंक
GoPro should have done something like, you know, instant removable kind of a thing from here and instant fixing kind of a thing, ताकि इस क्लैंप का झंझट नहीं रहता. आई रियली डोंट नो वाई दिस इज सो मच. आज भी हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर दूसरे चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्विक रिलीज मैकेनिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स. आपको अगर इसका बैटरी चेंज करना होगा फ्रॉम देयर, ओके यू डोंट वॉन्ट, यू आर चार्जिंग दैट वन, पर अगर उसका बैटरी डेड हो गया है, इसको भी अगर आप का बैटरी निकालना है, यू हैव टू रिमूव कम्प्लीटली, यू हैव टू अनप्लग अनमाउंट दिस वन, फिर आपको इसको खोलना पड़ेगा. आप इसको एक हाथ से कभी भी कुछ नहीं कर सकते इसका, एंड देन यू हैव टू रिमूव द बैटरी. क्या है, आई थिंक इवन मीडिया मोड यूजेस अ बैटरी, तो इसके वजह से यू नो बैटरी कम हो रहा है या क्या, आई रियली डोंट नो. दैट्स लाइक दैट्स वन पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज टेकिंग लॉट ऑफ बैटरी. इवन द वोल्ट का जो मेन स्टिक है उसका भी बैटरी सेम एरर. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्यों लोग GoPro को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट थिंग, इसका सेंसर, इट्स वन इन सेंसर, न्यू सेंसर, 10-bit कलर के अंदर आता है. इसका एक रेशियो है 8:7 का रेशियो एक आता है. उसमें आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों का क्रॉप करके आप एक सेट निकाल सकते हो, जो कि आपको दूसरे कैमराज में प्रॉब्लम होगा. सो दिस कैमरा हैज गिवन दैट फ्लेक्सिबिलिटी इफ यू आर शूटिंग इन 8:7 एस्पेक्ट रेशियो. मैं एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब मैं बाइक चला रहा था. बट उसका ड्रॉबैक एक और चीज होगा, इफ यू आर ए ब्लॉगर, हम जब ब्लॉगिंग करते हैं हम वाइड, सुपर वाइड यूज करते हैं, ताकि हमको एटलीस्ट बहुत दिखाई दे लोगों को, विजिबिलिटी, हमारा बाइक भी दिखाई दे, रोड भी दिखाई दे, आजू बाजू के सीनरीज भी दिखाई दे. सो वी यूज द सुपर वाइड फ्रेम काइंड ऑफ फिटिंग टिल वेयर वी कैन सी. तो हम उस एस्पेक्ट से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं. अगर आप वो 8:7 यूज कर रहे हो रेशियो, तो आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते उसके अंदर. इट इज प्योरली वेंट फॉर ब्लॉगर्स. अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कॉम्पैक्ट चाहिए आपको एकदम साइज ऐसे पकड़ के, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, परफेक्ट, बिकॉज यू कैन क्रॉप दैट इमेज फॉर इंस्टाग्राम, फॉर शॉर्ट्स एंड इवन फॉर यूट्यूब. इट इज फॉर ऑल. आपको अलग से रेशियो कट नहीं करना पड़ेगा या दो दो वीडियो नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही साथ आपका काम हो जाएगा. दैट्स वन थिंग. सो दैट्स वाई पीपल यूज GoPro 11 इफ दे आर ए ब्लॉगर और ए ट्रैवलर. GoPro इज लूजिंग इट्स इनोवेशन स्किल. इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं, 2023 में अगर आपको बाय करना चाहिए, एज ए माई हार्ड अर्न मनी मिडिल क्लास पर्सन, आई एम टेलिंग मत लो अभी के लिए. Hold your purchase for GoPro Hero 7. I am not defaming GoPro Hero 7. Please do not think that I am defaming GoPro Hero 7. मैंने भी अपना ब्लॉगिंग GoPro Hero 7 से ही स्टार्ट किया था. SJ Cam और GoPro Hero 7 ही थे मेरे पास में. अभी भी मेरे पास में Session 5 है, जो कि tiniest कैमरा एंड वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैंने आज तक उसको यूज किया है. इसको अभी होल्ड करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ. 12 आएगा, 12 के फ्यूचर्स देखो आप क्या लगेगा. ये थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा तब तक. अगर आपने DJI का एक्शन Osmo 3 का अगर रिव्यू देखा है, दैट इज अ बेटर कैमरा. इवन दैट कम्स विद अ 10-bit कलर रिकॉर्डिंग एंड दे इट आल्सो हैज अ क्विक रिलीज फंक्शनैलिटी. अगर मैं एक और कंपनी की बात करूं, जो कि Insta360 है, Insta360 Go 3rd जनरेशन आ गया, विच इज अगेन अ सुपर प्रोडक्ट, मार्वलस प्रोडक्ट, जिसको 2.7K रेजोल्यूशन में ही रिकॉर्ड करना है. इफ यू आर नॉट मोर इनटू 4K रिकॉर्डिंग, अगर आपको 4K का रिकॉर्डिंग नहीं करना है, यू आर ओके विद 2.7K रिकॉर्डिंग. सुपर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर ही एक्शन कैमरा के जैसे पॉड है, पॉड के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएगा उसी के अंदर, एंड इट्स ए स्क्रीन विच कैन बी टिल्टेड. सो आप वर्सेटाइल में बहुत ज्यादा है. यू कैन सी अप व्हेन यू आर ब्लॉगिंग, योर स्क्रीन इज अप, आप जब ऐसे कर देते हो स्क्रीन डाउन हो जाती है. सो बैटरी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है. इसमें दो दो स्क्रीन है, बैटरी कंजम्पशन ज्यादा रहता है. देयर लॉट मेनी ऑप्शंस नाउ इन मार्केट अपार्ट फ्रॉम GoPro.
आई डोंट नो, देर आर मोर अदर ब्रांड्स फ्रॉम यूएस, देर ऑल चाइनीज, आई नो देर ऑल मेड इन चाइना ब्रांड्स. GoPro एक यूएस की कंपनी है, एक और यूएस की कंपनी है विच आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट या यू, अगर मेरे को अभी अगर जब एडिटिंग के टाइम में फोटो मिलेगा मैं इधर डालूंगा, आप वो ब्रांड भी चेक कर सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक ब्रांड, बजट फ्रेंडली में आपको उसके कैमराज मिल जाएंगे और इजीली यूजेबल है. इस वीडियो का पर्पस यही था कि वेदर यू वांट टू बाय अ GoPro 11 इन 2023, वेट फॉर सम टाइम एंड देन गो. जिसके पास में GoPro Hero 11 है जैसे मैं हूँ, माय एडवाइस इज प्लीज डू नॉट पुट द बैटरी इन इट आफ्टर चार्जिंग, कीप इट सेपरेटली. अगर आपके पास में मल्टीपल बैटरीज हैं, डू नॉट पुट एनी बैटरी इन द कैमरा, कीप इट सेपरेटली. वोल्ट को भी आप तभी चार्ज कीजिए जब आप जा रहे हो, क्योंकि इसकी बैटरी भी ज्यादा दिन तक रहती नहीं है. यू आर फेसिंग दिस इशू, देन दिस इज वॉट द सोल्यूशन एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग. अगर आपके पास में कोई सोल्यूशन जो आपने यूज किया है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, प्लीज शेयर विथ मी. ब्लॉगिंग कल्चर इतना ज्यादा हो चुका है इंडिया के अंदर कि वी आर ऑल डिपेंडेंट इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने बहुत सारे चिन माउंट भी देखे हैं जिसमें आप मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर सकते हो. डोंट गो फॉर दैट वन, इट्स वेरी रिस्की. आपका मोबाइल जा सकता है, यू मे बी यूजिंग 10,000-15,000 मोबाइल, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ वेस्टिंग अ मोबाइल ऑन योर प्रो ब्लॉगिंग करियर. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर मोटो ब्लॉगर्स और योर फ्रेंड्स हु यूजर्स GoPro Hero 11, जिसको ये परेशानी हो रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है करके. And I will see you in the next video, which will be my laptop's review. मैंने use किया है उसको अभी तक, तो उसका review भी आना बाकी है. उसके बाद में एक और product का review आएगा जो कि Insta 360 का है, उसका review भी मैं बहुत जल्दी करूँगा. पहले use करते हैं, फिर उसके बाद में review करना चाहिए. So until then, see you guys. Take care, ride safe, be safe and enjoy. Ciao.